आप ये बताइए, आपको बसपा ने यहाँ बुलाया? कोई भी पार्टी हो, ब्राह्मण का सम्मान करे, ब्राह्मणों के साथ रहे, तभी वो आपको यहाँ संघ बजाने के लिए बुलाया गया था या वाकई सम्मान देने के लिए? मुझे केवल संघ बजाने के लिए ब्राह्मण नहीं, ठीक है, ब्राह्मण एक सम्मान नहीं है। सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के श्री चरण में नमन करना चाहता हूँ। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज को आज ब्राह्मण समाज को लेकर के एक धार बनाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज का कहीं सम्मान नहीं हो रहा है, चाहे वह बसपा की पार्टी हो, चाहे वह सपा की पार्टी हो, चाहे वह बीजेपी की पार्टी हो, चाहे जिसे किसी का भी पार्टी हो, आज ब्राह्मण समाज का सम्मान कहीं नहीं हो रहा। कि ब्राह्मण समाज के लिए ब्राह्मण में संस्कृत विद्यालय हैं और संस्कृत विद्यालयों को बंद करना किया जाता है, मदरसाओं को और इत्यादि जगहों को खोला जाता है, उनको अनुदान दिया जाता है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज की बात करने के लिए और संस्कृत विद्यालयों के लिए कोई अनुदान नहीं मिलता है। हम लोगों 12 साल हम अपने 2007 से लेकर के आज तक मैं संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी अनुदान नहीं मिला है, कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिला है। ब्राह्मण समाज केवल अपने तप बल में प्रसदा बन जा रहा, केवल ब्राह्मण अपने तपस्या के कारण हर जगह सम्मानित होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी सरकार बने ब्राह्मण हित के लिए रहे, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा उसी का सरकार बनेगा, उसी के साथ हम खड़े हैं। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। हमें ब्राह्मणों को केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है वोट पास, चाहे आपकी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो। देखिए, ब्राह्मणों को तो केंद्र बिंदु बना ही दिया इस सरकार ने। 500 ब्राह्मणों की हत्याएं और 100 का इनकाउंटर करके ब्राह्मणों को तो केंद्र बिंदु पे ले ही आए ये लोग, और अब जो है परेशान होकर के जब ब्राह्मण समाज ने ये घोषणा कर दी है घूम घूम के हर जिले में कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले रहे हैं, तब वो 10, 12, 4, 2 इस तरह के आदमी को ढूंढ करके और कमेटी बना रहे हैं। वो भी किसको बना रहे हैं, जिनके साथ में इन्होंने उनको बेइज्जत करके पहले मंत्री पद से निकाला, आपके इसी क्षेत्र के हैं उनको पहले निकाल दिया, नोएडा से निकाल दिया, अब उनको उस कमेटी में बैठा रहे हैं। तो इनकी क्या सोच है तो आपको मालूम हो गया ब्राह्मणों के बारे में। बीजेपी वाले कहते हैं कि मंदिर भी बनेगा, 2022 में उनकी सरकार भी बनेगी। देखिए, 2 साल तो निकल गए, अभी तक तो न्यू नहीं खोद पाए हैं, तो मंदिर क्या बनाएंगे? जब तक चुनाव होते रहेंगे इस देश में तब तक वो मंदिर नहीं बनेगा। जब तक चुनाव होते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में मंदिर नहीं बनने देगी, और इसीलिए क्योंकि वो राम के नाम पे ही वोट मांगते हैं, उनके अलावा उसके बाद और कुछ बचा नहीं है। और उसमें भी अब खुलासा हो गया, अब स्वयं राम जो है, भगवान जो है, वही उनसे रुष्ट हो गए हैं, इसलिए उनको बाहर करने का काम करें। सर, नेताजी, विपक्ष को लगता है बस्ती में कि आपने डमी कैंडिडेट उतारे हैं क्योंकि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं? अब ये तो आप जाके भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करिए, हमारे क्या कोई महिला कैंडिडेट आपको नहीं मिला?